अरे बात नहीं बेटा बात नहीं, तो उस समय जब दुशासन खड़ा था, देखिए समय कम है, कलश वाली बिटिया खड़ी हो जाए, तो दुशासन जब खड़ा था और सामने की महाराज एक बार राजित मान लो कोई बात ना है, पर वो नहीं माना, तो जब नहीं माना तो कहीं महाराज अब नीचे आ जाओ उतर के, जैसे दुशासन रथ से नीचे आया है और आज सामने हाथ पकड़ लिया था हाथ और कही क्या, अरे तेरा मेरा खेता भूमि हो गया लक्ष्मणाने की ओरी जी जी बहुत जल्दी जा, अब की बात और ज्यादा बिगड़ गई। आज जैसे ही लड़की भाज की गई और दुर्योधन से गई, महाराज बहुत जल्दी चला, चाचा तो बाग में बंधे डरे। अब दुर्योधन ने हुक्म दिया कर्ण, कर्ण को कि तू मेरा मित्र है, मैं तेरा मित्र हूं, तू जल्दी जाओ। भैया कर्ण तेरे बिना बात नहीं बनाई, तो कर्ण हाथ में धनुष लेकर के और जब बाग में पहुंचाए तब कही के, ए लड़के पहले तो जू बता तू आओ कहां थे, किन को है? सामने हाथ जोड़ की, महाराज पेन तो तुम बता, तुम का काम सिर आए हो? क्या मैं जा काम सिर आए कि तेने जा लड़की का हाथ पकड़ा, ये राजघराने महाराज दुर्योधन की बेटी है पहली बात, और दूसरी बात जाकर तेन दुशासन को बांध के डाला है, ये दुर्योधन सम्राट के भाई हैं। महाराज जा में कमी मेरी ना कमी ही नहीं की है, मैं जा बाग में रुक गो, तुम्हारा जाम बिगड़िए कागो, अब सबे रहोगे, अब हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठहर जा, राजा का ये हुक्म है कि मैं तुझे बांध के ले जाऊंगा घर तक, इतना ही हुक्म है, ध्यान रखना।
फिर लिखवा जाओ जल्दी। उस समय आज सूर पुत्र कर्ण ने जैसे ही हथियार उठाया धनुष, एक बात जीवन में ध्यान रखना, पहले लड़ाई नीत की थी, नीत की। और कैसी नीत की तमाम चाचा, कि अगर सामने वाला कोई भालो चलाए वो जानतो तो इतबारे ने भालो ही चलाओ, अगर सामने वाला कोई गदा चलाए वो जानतो तो दूसरे ने गदा ही उठाई, कोई धनुष चलाना जानता था तो दूसरे ने धनुष ही चलाया। आज कैसी लड़ाई हो रही है कि काउ में लड़ाई है कि वो सामने वाला लठिया लेकर के लाओ तो तक जा लगन तो 15 बोरे गोली मार दी, ऐसा लड़ाई नहीं थी, नीत की लड़ाई थी। तो जैसे ही तीन बार किए सूर पुत्र कर्ण ने और तीनों बार बेटा ने जब काटे बाग में, और तब के महाराज अब नमक तुम्हारो खत्म है, अब मेरो, अब मैं हथियार चलाऊंगा तुम काटना। देखिए बात हथियार काटे कैसे थे, कि जैसे ही कर्ण ने अग्नि मार्ग से अग्नि पैदा की थी तो सामने पानी बरसा दिया था, और कर्ण ने जब आंधी चलाई थी तो हवा के वेग को रोक दिया था सामने, श्रोता बंधु। और जितनी दुनिया थी वो बाग में अंधकार छा दिया था एक तीर से, तो सामने फिर उजाला कर दिया था, तीनों ही मार काट दिए थे तीनों। और जब तीनों मार काटे तब कही महाराज अब तुम तैयार हो जाओ। कर्ण ने कही बेटा तू जान तो ना है वही, तेरी ने को मरे न तो तेने पतो बताओ तू कोए कांते आओ महाराज, पतो तो जिमे तीर बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। क्या करता था, सुनो भूप धरी ध्यान, अरे कैसे और निकाल के चोरी की धर के खेच के मारो पुरस्कार हमारे लिए, शास्त्री मंडल के लिए, कलश वाली कन्याओं के लिए, वरुण देवता परीक्षित यज्ञपति जोड़ा सहित संत समाज।
भूरे सिंह सनौप स्वर्गीय श्रीपाल सिंह 50 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए। गिरीश यादव हैं सनौप स्वर्गीय थान सिंह सावन के लिए अजब बूरो लांगे जे हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा। और भैया भूरे सिंह सनौप स्वर्गीय श्रीपाल सिंह इनके यहाँ पर सबका खाना है। ये जो बुले हैं नाम शास्त्री मंडल कलश वाली कन्या वरुण देवता परीक्षित यज्ञपति जोड़ा सहित संत समाज इन सबका भोजन है आज इनके यहाँ पर। धन्यवाद। और ऐसो करें जे गिरीश बाबू सांझ को आ जाएं घर पे।